हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है मेरे चैनल अनलॉकिंग ज्ञान में। आज की वीडियो में मैं आपको ठीक करके दिखाने वाला हूँ अपना माइक्रोटेक का यूपीएस, जिसका मॉडल नेम है 860EB। इस इन्वर्टर में क्या प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले मैं आपको जल्दी से ये बता देता हूँ। अभी मेंस ऑफ है और अगर इसे ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं बल्ब जल गया है। तो बैटरी से 12 वोल्ट लेके मेरा इन्वर्टर यूपीएस मोड पे ऑन हो जाता है। यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइट अगर आप पास आके देखें तो जल जाती है, और आउटपुट पे लोड मैंने जो आपको 100 वाट का बल्ब दिखाया वो भी जल जाता है। तो इस समय इन्वर्टर ऑन है और बैकअप मेरे को मिल रहा है। मगर अगर मैं इसकी मेंस ऑन कर दूं यहाँ से, तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे इसका मेंस नहीं आता है। तो यहाँ पे मेंस नहीं है, ये तब भी यूपीएस मोड पे ही है, ये चेंज ओवर नहीं हो रहा है। चेंज ओवर में होना चाहिए ये कि अगर पीछे से मेन की लाइट आ रही है आपके घर पे, तो इसे यूपीएस को कट ऑफ कर देना चाहिए और आपका लोड जो है वो मेंस पे चलना चाहिए। मतलब आपका मेंस की लाइट यहाँ पे ग्लो होनी चाहिए और यहाँ पे बैटरी चार्जिंग वाला ऑप्शन ऑन हो जाना चाहिए। अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो बैटरी चार्ज होना स्टार्ट होगी, अगर बैटरी फुल है तो चार्ज हो जाएगी तो वो कंटिन्यूस ग्लो करेगी। तो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ अब ये पूरा अपना इन्वर्टर जो है उसे डिस्कनेक्ट कर दूंगा, सारे लोड इसमें से निकाल दूंगा, बैटरी से पीछे से डिस्कनेक्ट कर दूंगा, इसकी बॉडी जो है अंदर से खोल दूंगा और इसका जो सर्किट बोर्ड है वो पूरा का पूरा जो है ब्लोअर से एक बार पूरा का पूरा साफ कर दूंगा। ऐसा मैं इसलिए करूंगा ताकि टाइम सेव हो सके। तो जैसे कि मैंने आपको इसका मॉडल नेम जो अपने माइक्रोटेक का बताया, इसका 860EB था। तो इसमें बेसिकली जो है 2011 का ये मॉडल है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही आती है जिसमें इस तरीके के दो प्रीसेट होते हैं। ये वाले बेसिकली जो है चेंज ओवर सेक्शन है और यहीं से जो है हमारी हाई कट और लो कट सेट होती है। तो बेसिकली जो ऊपर वाला यहाँ पे आप प्रीसेट देख रहे हैं ये है VR1, ये इसमें लिखा होता है 202, मतलब ये 2 किलो ओम का प्रीसेट है। ये लो वोल्ट का कट ऑफ सेट करता है जो कि 180 वोल्ट के आसपास होता है। और ये नीचे वाला जो प्रीसेट आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला जो प्रीसेट है इस पे लिखा होता है VR2, ये 1K का प्रीसेट होता है, इसमें लिखा होता है 102। तो ये वाला जो प्रीसेट होता है ये हाई कट वोल्टेज को सेट करता है जो कि 260 वोल्ट के आसपास होता है। तो बेसिकली 99% जो मैंने आपको अपने इन्वर्टर की प्रॉब्लम बताई वो इन्हीं दोनों प्रीसेट की खराब होने की वजह से आती है। तो इसी के साथ जो आप ये तीसरा वाला जो यहाँ पे एक ब्लू कलर का जो मल्टी टर्न ट्रिम पॉट देख रहे हैं, ये 2K का प्रीसेट होता है, ये बेसिकली जो है चार्जिंग कट के काम पे आता है। तो सबसे पहले मैं करने वाला हूँ ये कि इस सर्किट बोर्ड को यहाँ से जल्दी से निकाल देता हूँ और उसके बाद जो है इसको एक बार हम चेक करके देखते हैं इन दोनों प्रीसेट ये ठीक है या नहीं। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं इन दोनों जो है ड्राइव्स में जो यहाँ पे वॉशर वगैरह लग रखी है इसमें भी जो है रस्ट आ गया है। कभी भी ऐसे जहाँ पे ज़्यादा करंट फ्लो होता है कभी भी कोई रस्टिंग वाली चीज़ें नहीं होना चाहिए, वरना जो इन्वर्टर है वो हमिंग वाली नॉइस करना शुरू कर देता है, आपने कभी नोटिस किया होगा। तो उसका एक रीज़न ये भी होता है, या फिर होता है कि कई बार इसके बैक साइड में जो ड्राइव में जो शोल्डर वगैरह लगे होते हैं उनमें जो होता है शोल्डर वीक होता है या फिर ड्राई शोल्डर हो जाता है। तो मेरे केस में जो है हालांकि हमिंग नॉइस वाली प्रॉब्लम नहीं है, मगर क्योंकि मेरे को ये रस्टेड यहाँ पे दिख रहे हैं दोनों वॉशर, तो मैं जब इसे दोबारा प्लेस करूंगा मैं इन दोनों वॉशर नई वॉशर भी यहाँ पे डाल दूंगा। रस्टिंग वाली जो भी चीज़ें मेरे को खराब दिखेंगी मैं उसे बिल्कुल नहीं रखने वाला हूँ, साथ हटा दूंगा, क्योंकि वो आज ना कल जिंदगी में प्रॉब्लम देंगी ही देंगी। तो जल्दी से सबसे पहले इसको यहाँ से पूरा डिस्कनेक्ट करके निकाल देते हैं। तो अगर आप जब इसको डिस्कनेक्ट करके निकालें और अगर आप खुद ट्राई करें और अगर आपको याद नहीं रहता है, याद रखने में मुश्किल होती है, तो आप एक पिक्चर भी क्लिक करके रख सकते हैं कि कौन सी वायर को आपने कहाँ से खोला था। मेरे को इस तरीके की चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है, मेरे को याद रहती है तो कोई प्रॉब्लम मेरे को नहीं आती है, इसीलिए मेरे को ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हो तो आप इसकी पिक्चर पहले क्लिक करके रख लें, और इस काम को आप तभी करें जब आप इस चीज़ों की नॉलेज खुद रखते हो। अगर आप इस पूरे जो है काम की नॉलेज नहीं रखते इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आप खुद इसे करने का ट्राई ना करें, आप किसी शॉप वाले से ये करवा लें। तो इस टाइम पे जब मैं इसे डिस्कनेक्ट करके सारे के सारे हटा रहा हूँ, आपको मैं ये बता दूँ मैंने इस समय इसमें मेंस पूरी कोई भी कनेक्ट नहीं की है, ना ही इसके बैटरी टर्मिनल कहीं लगे हैं। तो ये पूरा जो है डेड है, ऑफ पड़ा हुआ है, उस टाइम पे मैं इसे अनप्लग कर रहा हूँ सारी वायर्स को। तो इस तरीके से मैंने पूरे के पूरे कार्ड का जो है बाहर निकाल लिया है। तो कार्ड को बाहर निकालने के बाद आपको दिखा देता हूँ पास से। अब तो ये फरवरी 2011 की मैन्युफैक्चरिंग है, तो ज़्यादातर पुराने वाले जो आप माइक्रोटेक के मॉडल देखेंगे उसमें दो इस तरीके के प्रीसेट लगे होते हैं। नए वाले मॉडल्स में जो है ये दोनों प्रीसेट नहीं होते हैं, सिर्फ ये ट्रिम पॉट वाला ही लगा होता है, मगर पुराने वाले में यही दोनों ज़्यादातर खराब होते रहते थे। आपको अगर इसके बैक साइड से भी दिखाऊं तो आप देखेंगे, पहले भी जब इसे बाहर से रिप्लेस करवाया है मेरे घर वालों ने, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं बाहर वालों ने भी इसी वाले दो प्रीसेट्स को बदला है, तो यही खराब होते रहते हैं और यही बदले हैं। तो जल्दी से पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को रख दिया मैंने 2000 ओम में, क्योंकि ये 202 है, मतलब 2K के हैं, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू दिखानी चाहिए। तो पहले मैं VR1 को अगर नापूं तो एकदम से वैल्यू आती है और चली जाती है, और अगर मैं दूसरे वाले को नापूं तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो आपको जो जैसे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, आपको जो कॉमन दो एक साइड में पिन होती है उन पर नापना है,
तो VR2 की कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो बेसिकली VR2, जैसे मैंने आपको बताया, ये हाई वोल्टेज कट ऑफ को सेट करता है, ये जो है डेड हो चुका है। तो मैं इन दोनों को रिप्लेस करने वाला हूँ। इन दोनों के रिप्लेस में जो है मैंने दो नए यहाँ पे प्रीसेट पहले ही ले लिए हैं, एक है 202 का और एक है 102 का। तो अगर मैं इनकी रीडिंग अगर आपको दिखाऊं जो नए वाले हैं, पहले मैं आपको 2K वाले की नाप के दिखाता हूँ रेसिस्टेंस। तो अगर आपको इसकी रीडिंग दिखाऊं तो आप नीचे मीटर पे देख सकते हैं 1965 आ रही है, तो ये काफ़ी एक्यूरेट है। वैसे आपको दूसरे वाला दिखाता हूँ 1K वाला, तो ये 998 आ रही है, तो मतलब ये तो और भी ज़्यादा एक्यूरेट है। तो जल्दी से इन दोनों को जो है रिप्लेस करके यहाँ पे डिशोल्डर करके मैं निकाल दूंगा और इस नए वालों से इसे रिप्लेस कर दूंगा। अब दोनों के दोनों प्रीसेट आप देख सकते हैं मैंने बदल दिए हैं। VR1 पे 202 लगा दिया है और VR2 पे 201 लगा दिया है, ये रहे पुराने वाले। अब नेक्स्ट इसके बाद जो है कार्ड को ऑन करके भी देख लेते हैं। कार्ड ऑन करने का प्रोसीजर भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको ज़रूरी नहीं है बैटरी से ही इसको कनेक्ट करना है हर बार, मगर जब आपको कार्ड ऑन करके टेस्ट करना हो तो आप चाहें तो एक पावर सप्लाई से भी टेस्ट कर सकते हैं। तो पावर सप्लाई टाइप जो है आपको मैं जल्दी से दिखा देता हूँ। मैं 12 वोल्ट और 1 एम्पेयर का ये मॉड्यूल ले रहा हूँ और इस मॉड्यूल से मैं इसे ऑन कर दूंगा। तो इस मॉड्यूल में एसी सप्लाई जाएगी और डीसी जो है 12 वोल्ट जो कि बैटरी का होता है 1 एम्पेयर के लगभग, ये मेरे को देगा। और इस ये इतना काफ़ी होता है मेरे कार्ड को ऑन करने के लिए। तो जहाँ पे बैटरी का यहाँ पे पॉजिटिव वाला टर्मिनल लगता है, यहाँ पे मैं एक क्लिप एलिगेटर क्लिप यहाँ पे लगा दूंगा और दूसरी वाली जो है यहाँ पे मैं इसके ग्राउंड में कनेक्ट कर दूंगा, जहाँ पे हम बैटरी का ग्राउंड भी लगाते हैं। तो बैटरी के ग्राउंड वाली जगह ग्राउंड लगा दी, यहाँ पे लगा दिया है मैंने पॉजिटिव जो इस मॉड्यूल से आ रहा है, और ये मॉड्यूल हो गया दोबारा 12 वोल्ट 1 एम्पेयर का। तो इससे इसे ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने यहाँ पे ऑन किया, एडोप्टर की लाइट जल गई और उसने रिले ने ऑन करके इसे जो है कर दिया है ऑन। अब माइक्रोटेक का जो किट है ये डिफॉल्ट ऑन होती है, जब भी आप इसे ऑन का स्विच दबाएंगे बैट सप्लाई देंगे ये ऑन हो जाती है। अगर इसे ऑफ करना हो तो यहाँ पे जो स्विच वाला है यहाँ पे अगर मैं इसे टच करूँगा तो ये ऑफ हो गई। अगर मैं इसे दोबारा ऑन करना है तो इस वाले स्विच पे दोबारा करेंगे तो ये ऑन हो जाती है। तो अब हम जल्दी से करने वाले हैं ये, इसकी पिन नंबर 1 जो होती है माइक्रो कंट्रोलर की, जो आप यहाँ पे आप कट देख रहे हैं, तो इस साइड से हम गिनते हैं। तो 1 से यहाँ से शुरू होगी और यहाँ तक नीचे तक जाएगी 14 तक, फिर यहाँ से रिवर्स जाएगी और यहाँ पे 28 होगी। तो पिन नंबर 1 जो मेरी यहाँ पे आ रही है इस टाइम पे लेफ्ट साइड पे, तो यहाँ पे मेरे को नापना है। तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, जो बैटरी का यहाँ पे ग्राउंड लगता है वहाँ पे एक टर्मिनल ले लूँगा और मैंने अपने मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे रख दिया डीसी पे, और उससे यहाँ पे पिन नंबर 1 पे चेक करते हैं तो कितनी सप्लाई आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.9 वोल्ट दिखा रहा है जो कि एकदम करेक्ट वोल्ट है, तो इसे 4.9 या फिर 5 वोल्ट के आसपास रहना है। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चेक करेंगे इसकी पिन नंबर 3 पे कितने वोल्ट आ रहा है। आइडियली इसके 3 नंबर पिन जो है उस पर वोल्टेज आनी चाहिए 3.4 या 3.5 मैक्सिमम। अगर इसकी वोल्टेज 3.4 से कम रहेगी तो जनरली होता क्या है कि मेरी बैटरी का जो पानी है वो जल्दी उड़ेगा और बैटरी बार बार उसमें पानी जो है डिस्टिल वाटर बार बार रिफिल करना पड़ेगा और बैटरी जल्दी जल्दी ड्राई हो जाएगी। आप देखेंगे 20-25 दिन में, महीने में या 2 महीने में डिस्चार्ज जो है पानी जल्दी उड़ेगा, तो वो मेरी बैटरी को हार्म करता है। और अगर मैं पानी भरना भूल गया तो पानी की कमी से बैटरी फूल सकती है, फट भी सकती है, तो वो डेंजरस होता है। वैसे ही अगर इस 3 नंबर पिन पे 3.4 या 3.5 से ज़्यादा वोल्टेज होती है तो उसका मतलब होता ये कि बैटरी जो है अंडर चार्ज हो रही है, मतलब पूरी चार्ज नहीं होगी, समय से पहले ही उसे कट ऑफ कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से होता है कि ये मेरे को ज़्यादा अच्छा बैकअप नहीं मिल पाएगा। तो जल्दी से एक बार मेजर कर लेते हैं कि इसकी 3 नंबर पिन पे कितना वोल्ट आ रहा है। तो उसके लिए करना ये दोबारा एक मैं यहाँ पे डीसी का ग्राउंड ले लूँगा और 3 नंबर पिन पे मेजर करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 3.61। तो 3.61 का मतलब है ये अभी अंडर चार्ज हो रही है। इसको मेरे को अगर इसकी सेटिंग करेक्ट करनी है तो मेरे को हल्का सा ये जो ब्लू वाला जो यहाँ पे प्रीसेट लगा है इसको हल्का सा जो है टर्न करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसे क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी के डायरेक्शन घूमती है ऐसे क्लॉकवाइज करूँगा तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो इंक्रीज होगी, मगर मेरे को करनी है हल्की सी डिक्रीज, मतलब मेरे को इसको 3.5 के आसपास लाना है। तो मेरे को एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा ताकि इसकी वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हो जाए। तो मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ। आप इस वाले प्रीसेट को तभी छेड़ेंगे जब आपको 100% ज़रूरत होगी। आपने इसे इसकी सेटिंग जो है ज़बरदस्ती नहीं छेड़नी है। अगर आपका जो सारा का सारा जो है सिस्टम एकदम सही चलता है, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने कभी भी इसे नहीं छेड़ना है। तो अगर आप इसे देखें, इसे परफेक्टली ट्यून करने के बाद 3.5 इसमें आ चुका है। तो आपको एक बार फिर बता देता हूँ, आपको कभी भी इस वाले प्रीसेट को जो ट्रिम पॉट वाला जो है 2K का, इसको आपको अननेसेसरी नहीं घुमाना है वरना आपके इन्वर्टर की सेटिंग खराब हो जाएगी। अगर आपको
रियल में आपके चार्जिंग कट में प्रॉब्लम है, या वो ओवर चार्ज करता है या अंडर चार्ज करता है, तभी आपने इसे छेड़ना है। तो थ्री, तो इसकी जो मिडल वाली टर्मिनल की पिन थी, पिन नंबर थ्री पे, वो 3.4 या 3.5 होनी चाहिए। मेरे केस में वो 3.6 थी, तो मेरा इन्वर्टर अंडर चार्ज कर रहा था, पूरी बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। मैंने इसे करेक्ट करके इसे एंटी क्लॉक वाइज घुमा के जो है इसकी वैल्यू को डिक्रीज़ किया यहाँ पे, ताकि 3.6 से 3.5 वोल्ट पे आ जाए। तो अभी के लिए ये कार्ड जो है रेडी हो गया है। अब इसे जल्दी से हम बॉडी पे दोबारा प्लग करके लगा के देखते हैं कि क्या मेरा मेंस आ रहा है या नहीं। सर्किट बोर्ड इसका दोबारा लगा दिया है, जहाँ पे जंग वाली वॉशर थी ड्राइव में वो भी नई वाली लगा दी है, ग्राउंड पे वहाँ पे मिसिंग थी वहाँ पे भी एक लगा दी है, पूरा अंदर से ये साफ़ हो गया है। इसके मैंने दोबारा जो है बैटरी के टर्मिनल जो है दोबारा बैटरी पे लगा दिए हैं, तो आउटपुट पे मैंने 100 वाट का बल्ब भी लगा दिया है। अब जल्दी से इसे यहाँ से ऑन करते हैं एक बार। तो बल्ब हो गया है ऑन और UPS हो गया है ऑन, और इस टाइम पे मेन अभी मैंने ऑफ रखी है। अब मेन को ऑन करते हैं और देखते हैं कि क्या ये वापस मेंस पे आता है या नहीं, जब पीछे से सप्लाई आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये मेंस पे ऑन आ गया और बैटरी को भी चार्ज कर रहा है। अब जैसा कि आपको वीडियो में याद हो, मैंने इसका जो है तीसरा वाला जो प्रीसेट था मल्टीपोर्ट ट्रिम वाला, उसे भी एडजस्ट किया था। उससे मैंने इसकी 3.6 को 3.5 पे डाला था, ताकि इसकी अंडर चार्ज वाली प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाए। तो एक बार अभी टेस्ट करके देख लेते हैं चार्जिंग के टाइम पे अभी ये कितने वोल्ट पे ये अभी जो है बैटरी चार्ज है, और जब ये एक बार कट ऑफ हो जाएगा आगे मेरे को इंडिकेटर दिखाना शुरू कर देगा पैनल पे कि अब बैटरी फुल चार्ज हो गई है और ब्लिंक होना बंद हो जाएगा, तो उस टाइम पे देखें कि कितनी वोल्ट पे वो बंद होता है। तो अभी पहले इसकी अभी वाली नाप लेते हैं। तो आप अभी स्क्रीन पे देखें ये 13.52 वोल्ट पे है बैटरी। तो 20 मिनट जो है चार्जिंग में छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं मेंस ऑन है, और यहाँ पे चार्जिंग वाली लाइट जो है बैटरी की वो ब्लिंक होना बंद हो गई है, मतलब अब ये फुली चार्ज हो चुका है। अब जल्दी से जो है बैटरी का वोल्टेज एक बार नाप के देखते हैं कितने वोल्ट पे ये कट ऑफ हुआ है। तो अगर आप देखें अभी 1380 आ रही है, तो लगभग ये 14 वोल्ट के आसपास आ गई है, और 14 वोल्ट के आसपास आने पर ये कट ऑफ हो गया है। तो मतलब मेरा जो इन्वर्टर है रिपेयर होने के बाद डिटेक्ट भी प्रॉपरली कर रहा है कि मेरी बैटरी किस लिमिट पे जाके फुल चार्ज हो जानी चाहिए, और उसके बाद उसे रुक जाना चाहिए। अदरवाइज वरना ये होगा कि बैटरी चार्जिंग वाली रुकेगी नहीं, और बैटरी में ज़बरदस्ती जो है ओवर चार्जिंग वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, और फिर पानी इसका उड़ने लग पड़ेगा और मेरे को बार बार पानी रिफिल करना पड़ेगा। तो उसकी अंडर चार्जिंग फिलहाल के लिए मैंने कर दी है सॉल्व, और ये हो गया है इन्वर्टर एकदम रेडी। अब लास्ट में मैंने इस इन्वर्टर को अपने घर की सप्लाई से दोबारा लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं ये वाली जो प्लग है ये जा रहा है अभी इन्वर्टर पे, और जो आउटपुट लेने वाला है वो इसके बैक साइड से मैं ले रहा हूँ। और इस समय मैंने घर की MCB गिरा दी है, तो ये UPS ऑन मोड पे चल रहा है, मतलब बैटरी से ये घर को सप्लाई दे रहा है, घर के 3 पंखे चल रहे हैं। अब जल्दी से इसकी आउटपुट वोल्टेज भी नाप लेते हैं AC में कितने आ रही है। तो मैंने इसे मल्टीमीटर को रख दिया है AC 750 AC पे, और एक बार सेफली मैं इसको टच करूंगा, आप अगर करें तो बहुत ध्यान रखना अपनी सेफ्टी का, और एक बार टच करके देखते हैं यहाँ पे कि आउटपुट सप्लाई जो है घर में कितने AC वोल्ट पे वोल्टेज आ रही है। अगर आप मीटर पे देखें तो लगभग 250 वोल्ट के आसपास घर में बिजली अभी इन्वर्टर दे रहा है 3 पंखों को। तो क्योंकि ये मेरा अपना खुद का एक पर्सनल इन्वर्टर है, मैं एज अ हॉबीस्ट इसे ऐसी चीज़ों को ठीक करता हूँ, और मेरी कोई शॉप नहीं है, मैं कुछ ऐसा काम नहीं करता हूँ जिसमें मैं आपको तरह तरह के मॉडल्स को रिपेयर करके बता सकूँ, ना ही मेरे को इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है बाकी सारे मॉडल्स का। तो अगर आपका सिमिलर कुछ ऐसा ही मॉडल है 860 EB, या फिर कोई सिमिलर अंदर का, जैसे मैंने आपको इसका कार्ड दिखाया और उसमें उसी तरीके के प्रीसेट है और इसी तरीके की प्रॉब्लम है, तो आप बिल्कुल एक बार ट्राई कर सकते हैं। हो सकता है आप मेरे को तरह तरह के क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में पूछे और आपको मैं उसका आंसर ना कर पाऊँ, तो उसके लिए आप मेरे को पहले ही माफ़ कर दीजिए। होप ये वाला वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।